स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग मुंबई नागपुर महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में जानेंगे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना हमारे देश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है और पूरी तरीके से निर्माण के बाद यह हमारे देश का एक एडवांस सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी एवं इस एक्सप्रेसवे की वर्तमान निर्माण परिस्थिति क्या है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को पार्शियली वर्ष 2021 में आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का पूरा नाम द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग है। यह एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण मुंबई से नागपुर के बीच किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 701.362 किलोमीटर है एवं यह एक 8 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे होगा, जिसको की वर्तमान में 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण गाड़ियों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलने लायक किया जा रहा है और पहाड़ी एवं घाट रीजन में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से गाड़ियों के चलने लायक इस एक्सप्रेसवे को डिजाइन किया जा रहा है। वर्तमान में मुंबई से नागपुर के बीच का सफर पूरा करने में लगभग 17 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा एवं मुंबई से औरंगाबाद की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरेगी, अतः इस एक्सप्रेसवे के कारण आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा, जिससे कि महाराष्ट्र का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 120 मीटर चौड़ा होगा, जिसके बीच का मीडियन 22.5 मीटर चौड़ा होगा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस एक्सप्रेसवे को 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 तालुकास एंड 392 विलेजेस से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से कनेक्ट कर देगा। इस एक्सप्रेसवे में लगभग 50 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 5 से ज्यादा टनल्स, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस और 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस का निर्माण किया जाएगा, जो कि ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ रखने में सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान होगा। सिक्योरिटी एवं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को देखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी सर्वेलांस 24/7 रहेगा एवं प्रत्येक 5 किलोमीटर पर फ्री टेलीफोन बूथ भी इंस्टॉल रहेंगे एवं इसके साथ ही इस महामार्ग के रूट पर 20 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा एवं स्क्रीन पर दिए गए यह सभी पर्यटन स्थल भी मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे, जिससे कि टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, गैस पाइपलाइंस और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस भी बिछाई जाएगी एवं किसी भी प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन, नेचुरल डिजास्टर और वॉर लाइक सिचुएशन में यह एक्सप्रेसवे एज अ टेम्पररी रनवे काम करेगा, जिससे कि इस एक्सप्रेसवे पर एयरप्लेन्स भी लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पर आपके द्वारा तय की गई दूरी के हिसाब से ऑटोमेटिक टोल कलेक्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर ब्यूटिफिकेशन के लिए एक्सटेंसिव लैंडस्केपिंग, टनल लाइटिंग, ब्रिज ब्यूटिफिकेशन, इम्प्रूव्ड स्ट्रीट लाइटिंग और डिजिटल साइनेज का भी उपयोग किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के रूट के किनारे स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्किल मैनेजमेंट सेंटर्स, आईटी पार्क्स एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी निर्माण किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कुल 20,820 हेक्टेयर के लैंड एरिया को एक्वायर किया जाएगा, जिसमें 8,520 हेक्टेयर के लैंड एरिया को एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए यूज किया जाएगा और बाकी के बचे हुए लैंड एरिया को 20 टाउनशिप्स के निर्माण के लिए यूज किया जाएगा। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन फेजेस की तो इस एक्सप्रेसवे को टोटल 16 पैकेजेस में डेवलप किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे नागपुर के शिवमटका के पास आउटर रिंग रोड से शुरू होकर कल्याण तक जाएगी। इस प्रकार यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई और महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल नागपुर को कनेक्ट कर देगा। अगर बात करें लैंड एक्विजिशन की तो इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का लगभग 100% लैंड एक्वायर हो चुका है। अगर बात करें इस परियोजना के टाइमलाइन की तो मई 2016 में इस परियोजना के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात DPR तैयार करने के लिए कंसल्टेंट को अपॉइंट किया गया। इस परियोजना के निर्माण के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण की अनुमति महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा जुलाई 2016 में दी गई और जुलाई 2017 में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मई 2018 में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की अनुमति दी गई। नवंबर 2018 तक 60% जमीन का अधिग्रहण किया गया एवं इस परियोजना के निर्माण कार्य को 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया।
दिसंबर 2018 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला 18 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। उस समय महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। मार्च 2020 तक इस परियोजना के लिए 86% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका था। जुलाई 2020 तक इस परियोजना का 40% काम कंप्लीट कर लिया गया और बहुत ही जल्द इसका फेज वन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस पूरे परियोजना का लगभग 55% से अधिक काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का फेज वन जो कि नागपुर और शिरडी के बीच में है, बहुत ही जल्द इस खंड का काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और इस खंड को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। नागपुर से शिरडी खंड की दूरी लगभग 520 किलोमीटर है। इसके बाद दिसंबर 2021 तक शिरडी से इगतपुरी जो कि इस परियोजना का फेज टू है, इसको भी आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। शिरडी से इगतपुरी खंड की कुल लंबाई लगभग 103 किलोमीटर है। अतः दिसंबर 2021 तक पूरे 701 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लगभग 623 किलोमीटर लंबा खंड जो कि नागपुर से इगतपुरी के बीच होगा, यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के अंतर्गत इगतपुरी के पास 8.942 किलोमीटर लंबा 6-लेन एक्सप्रेसवे टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है और यह हमारे देश का सबसे लंबा 6-लेन एक्सप्रेसवे टनल होगा। इस टनल का निर्माण महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी और ठाणे जिले के कसारा घाट के बीच किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण वेस्टर्न घाट रीजन में किया जा रहा है। इस टनल के अंतर्गत 2 ट्यूब्स का निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन्स होंगे। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के पैकेज 14 के अंतर्गत इस टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा इस टनल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह एक अत्याधुनिक टनल होगा जिसके अंतर्गत सीसीटीवी कैमरास, क्रैश बैरियर, वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, टेलीफोन बूथ, ड्रेनेज, फायर फाइटिंग मैकेनिज्म इत्यादि इंस्टॉल रहेंगे। इस टनल के निर्माण कार्य में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी शामिल है। अगर इस परियोजना के लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो लगभग 55% से अधिक काम पूरा हो चुका है और मई 2021 में इसके फर्स्ट फेज का इनॉगरेशन होने वाला है। लेकिन हमारे देश में और महाराष्ट्र राज्य में कोविड 19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ऐसा संभव है कि इस परियोजना के फर्स्ट फेज के इनॉगरेशन में थोड़ा सा डिले हो। जैसा कि आपको पता है कि इस परियोजना को टोटल 16 पैकेजेस में डेवलप किया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर इस परियोजना के सभी पैकेजेस की डिटेल दी जा रही है। आप पॉज करके सभी पैकेजेस की जानकारी को पढ़ सकते हैं। द हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की आधिकारिक डेडलाइन 1 जुलाई 2023 कर दी गई है जो कि पहले 2022 था। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर विदर्भ के क्षेत्र में काफी तेजी से काम चल रहा है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का टारगेट है कि इस एक्सप्रेसवे को इगतपुरी से नागपुर तक जिसकी लेंथ 623 किलोमीटर है दिसंबर 2021 तक ऑपरेशनल कर दिया जाए। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 55,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो यह तो था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में जानकारी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।